आज तुलबा के एक वफद से मुलाकात हुई है, मैं भी मिला हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं पंजाब असेंबली में वो भी मिले हैं और हमारे भी अराकीन असेंबली ने उनसे मुलाकात की है। और हम ये समझते हैं कि ये जो इशू इस वक्त पॉप अप हुआ है ये बड़ा अहम इशू है और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और निजी यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट का आला कार नहीं बनना चाहिए। दर्जनों तलबा जो हैं वो बिहाइंड दी बार हैं, 5 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पुलिस उठा के ले गई है लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मुतालबा करते हैं कि ये तशद्दुद जो है ये रियासती तशद्दुद बंद किया जाए और जो गिरफ़्तार तलबा हैं उनको रिलीज़ किया जाए। जो स्टूडेंट्स जिनका पता नहीं है कि वो किस जगह पे हैं, किस पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में भी बताया जाए, उन्हें भी रिलीज़ किया जाए ताकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो जिस अजियत से गुजर रहे हैं वो अजियत उनकी ख़त्म हो। दूसरी अहम बात यह है कि हमारी तजवीज़ ये होगी कि चूँकि पंजाब असेंबली का सेशन भी चल रहा है और उन्होंने बताया तलबा ने कि आज वो यहाँ पे शायद आ भी रहे हैं, तो उनके साथ नरमी का मुदारा किया जाए। तलबा भी पुरमन रखें अपने आप को और यहाँ पे मुनासिब होगा कि अगर पंजाब असेंबली के अंदर एक हाउस की कमेटी बन जाए जिसमें गवर्नमेंट के और अपोजिशन के मेम्बर्स हों, स्पीकर साहब भले उसको चेयर कर लें, मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ गवर्नमेंट को इस मसले के हल के लिए, और जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट को भी बुलाया जाए और फैकल्टी को इन्वॉल्व किया जाए, असातिज़ा को बीच में डाला जाए और तलबा से बातचीत करके जो जायज़ मुतालबात है उनको माना जाए, और अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं मुमकिन तो उनको समझाया जाए, अफहाम व तफहीम से मसले को हल किया जाए। हम मुस्तकबिल के मामारों को अगर डंडे के ज़रिए ट्रीट करेंगे ये नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से, अपनी जानिब से, अपने साथियों की जानिब से भरपूर जो इस बात का मुतालबा करता हूँ कि गिरफ़्तारियाँ बंद की जाएँ, गिरफ़्तार शुदगान को रिलीज़ किया जाए, तशद्दुद के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और तलबा तालबात के जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें असातिज़ा की फैकल्टी की सिफारशात की रोशनी में उनको माना जाए। हठ धर्मी मुनासिब नहीं है, बाज़ लोग हठ धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं दौलत से और डंडे से और ताकत से, मैं समझता हूँ कि मसलों को हल नहीं होना चाहिए या मीडिया चैनल के ज़ोर पर मसले को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वन वे ट्रैफिक चला दें जैसे कभी हमारे ख़िलाफ़ चलाई गई थी, ये मुनासिब रवैया नहीं है। मुस्तकबिल के मामारों के साथ ये सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा ख्वाज साहब ये बताएं कि सेनेटर इलेक्शन सर पर आ गए हैं, इस वक्त पंजाब असेंबली से और वफाक से आवाज़ें आ रही हैं, हुकूमत ये कह रही है कि आपके अरकाने असेंबली कौमी और सूबाई सतह पर आपके बयानिए का वजन नहीं उठा रहे और आपको छोड़ना शुरू हो गया है, क्या लगता है आपको कि वाकई आपके बयानिए का वजन अब आपके अरकाने असेंबली नहीं उठा रहे? पंजाब असेंबली में तो 7 या 8 अरकान का एक ग्रुप भी आपका सामने आ गया है। गुजारिश ये जी कि पाकिस्तान की पहली हुकूमत है कि अभी इनकी आधी टर्म पूरी हुई है और इस आधी टर्म के पूरे होने से पहले ही उनके अराकीन असेंबली जो हैं वो इंडिफरेंट हो गए हैं, पीटीआई के साथ अलग अलग हो गए हैं उनसे, उनके अंदर अपनी दरारें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, यह सियासी मसखरों का एक टोला है जो इकट्ठा किया गया है, सियासी जमातों का कचरा इकट्ठा करके पीटीआई की तश्कील की गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान उनके हाथों में लर्ज रहा है, डोल रहा है और कोई एक काम भी उनका ढंग का नहीं है। तो हमारे मेंबरान पे उन्होंने क्या हाथ साफ करना है, वो अपना घर संभालें तो बड़ी बात है। ख्वाज साहब नैब को एफबीआर की तरफ से 69 करोड़ का जो अभी एक नोटिस हुआ है, क्या देख रही है हुकूमत क्या करने जा रही है कि नैब इतनी बड़ी कौमी खजाने को जो है टैक्स ना काट के इतना बड़ा नुकसान बचा रही है, उस पर भी कोई सियासी जमात क्या खुल के सामने आएगी और जो ये हल्के जो तमाम चीज़ें करवा रहे हैं उन्हें भी समझ आएगी कि पाकिस्तान के साथ होके रह के अवाम की जो टैक्स पेइंग पैसे हैं एक बहुत बड़ी ये अमाउंट है जो इस तरह गई है, तो उसके ऊपर भी कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? ब्रॉडशीट को बहुत उजलत में अदायगी की गई है, अब बातें खुल के सामने आ गई हैं कि एक पेपर पे कंपनी बनाई गई चंद रोज़ पहले, उसको मुशरफ साहब के दौर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सिर्फ बुग़्ज़ नवाज शरीफ के अंदर और उसके बाद मिस हैंडल किया गया सारे मामले को। अब फिर जो कुछ ब्रॉडशीट वालों ने कहा है मौजूदा हुकूमत के वज़रा के बारे में वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, और अगर नैब को जो दूसरों का एहतसाब करती है इतना भी नहीं पता कि जब आप कोई अदायगी करते हैं तो पाकिस्तान में एफबीआर का टैक्स कटता है, तो फिर ये बताइए कि ये जो 69 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई है बगैर एफबीआर का टैक्स काटे, अब ये जो 69 करोड़ रुपया एफबीआर को देने की बजाय उन्हें दे दिया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में मीडिया के खिलाफ
डीएम की नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसके हवाले से? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो बड़ी अफसोसनाक है, और आप ये देखें कि जनाब इमरान खान मुसलसल ये राग अलापते रहे हैं और अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। अब मैं पहले भी कहा करता हूँ कि करप्शन मंत्रा जो है ये इमरान खान का फेल हो गया है, अदालतों से भी पिट गया है, अवाम में भी पिट गया है, और ये करप्शन करप्शन का जो राग अलापते थे अपने इकतदार को हासिल करने के लिए, उसमें ये इसलिए नाकाम हुए हैं कि जिस अदारे का वो नाम लेते थे और रेफरेंस देते नहीं थकते थे, वो अदारा कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में करप्शन का रेट बढ़ गया है। इसके बाद इस पर हुज्जत तमाम हो गई है। बहुत मेहरबानी। शीट का जो चेयरमैन तैनात किए गए तहकीकाती कमेटी के लिए, आपके दौर में तरक्याती काम बहुत हो रहे थे, चलो करप्शन मान लेते हैं हो रही थी, अब तो तरक्याती काम भी नहीं है और करप्शन बढ़ गई है, ये क्या जादू है? अब आपने तीन सवाल कर दिए ऊपर तरह, माशाल्लाह आप जवान लोग हैं, आप ये फिर इंगेज कर लिया आपने। तो एक तो बात यह है कि हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन नहीं हो रही थी, हमारे दौर में काम हो रहा था, इस दौर में सिर्फ बातें हो रही हैं, बहुतान तराशी हो रही है, और इन्होंने लोन ले लिया है पीएमएलएन के दौरे हुकूमत से कहीं ज़्यादा, लेकिन ये पैसा कहाँ लग रहा है ये जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। देखिए गुजारिश ये है कि एक पास्ट का बैगेज है हमारा बाज़ रिटायर्ड जज साहिबान के साथ, तो इस वक्त वो रिटायर्ड हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा नाम लिए बगैर कि किसी तनाज़े में मौजूदा लोगों को नहीं उलझना चाहिए, हुकूमत अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन अगर कहीं तनाज़ा खड़ा हो गया है तो गैर जानेबदारी का तकाजा ये है कि उनको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बाकी फैसला उन्होंने करना है। बहुत मेहरबान। ये जो सो कॉल्ड कब्जा ग्रुपों की लिस्ट बनाई है, मैंने भी वो सारी पढ़ी है, उसने बहुत मेहनत करके तहकीक करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पीएमएलएन के जो मेन लोग हैं उनके नाम लिखे हैं, ये एक झूठ का पलंदा है। सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप पीटीआई है। शीट का जो चेयरमैन तैनात किए गए तहकीकाती कमेटी के लिए, आपके दौर में तरक्याती काम बहुत हो रहे थे, चलो करप्शन मान लेते हैं हो रही थी, अब तो तरक्याती काम भी नहीं है और करप्शन बढ़ गई है, ये क्या जादू है? अब आपने तीन सवाल कर दिए ऊपर तरह, माशाल्लाह आप जवान लोग हैं, आप ये फिर इंगेज कर लिया आपने। तो एक तो बात यह है कि हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन नहीं हो रही थी, हमारे दौर में काम हो रहा था, इस दौर में सिर्फ बातें हो रही हैं, बहुतान तराशी हो रही है, और इन्होंने लोन ले लिया है पीएमएलएन के दौरे हुकूमत से कहीं ज़्यादा, लेकिन ये पैसा कहाँ लग रहा है ये जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। देखिए गुजारिश ये है कि एक पास्ट का बैगेज है हमारा बाज़ रिटायर्ड जज साहिबान के साथ, तो इस वक्त वो रिटायर्ड हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा नाम लिए बगैर कि किसी तनाज़े में मौजूद लोगों को नहीं उलझना चाहिए, हुकूमत अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन अगर कहीं तनाज़ा खड़ा हो गया है तो गैर जानेबदारी का तकाजा ये है कि उनको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बाकी फैसला उन्होंने करना है। बहुत मेहरबान। ये जो सो कॉल्ड कब्जा ग्रुपों की लिस्ट बनाई है, मैंने भी वो सारी पढ़ी है, उसने बहुत मेहनत करके तहकीक करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पीएमएलएन के जो मेन लोग हैं उनके नाम लिखे हैं, ये एक झूठ का पलंदा है। सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप पीटीआई है। मेहरबान। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।